स्टार्ट कीजिए मिस। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उठ जाओ, जाग जाओ मेरे प्यारे बच्चों। देखो मुझे सब नजर आ रहे हैं यहाँ से, सारा, जैनब, जल्दी से अच्छे से उठ के बैठ जाओ, आयशा, सुमैया, जरीन, सबको देख रही हूँ मैं यहाँ से। अस्सलाम वालेकुम मिस। वालेकुम सलाम बच्चों, कैसे हो आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हैं मिस, आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपको हमेशा अच्छा रखे। जल्दी से बैठो, देखो मैं यहाँ पर चेक कर रही हूँ सबको, कैसे मेरे प्यारे बच्चे कैसे बैठे हैं। हाँ, कोई मास्क लगा के भी बैठा है। सिट प्रॉपरली। चलिए क्या करेंगे अभी हम लोग, जल्दी बताओ मुझे। पढ़ेंगे, इंग्लिश पढ़ेंगे, इंग्लिश पढ़ेंगे पढ़ेंगे। और इंग्लिश पढ़ने से पहले हम लोग क्या करेंगे? पोयम पढ़ेंगे। बच्चे के लिए क्या पढ़ेंगे हम लोग? पोयम पढ़ेंगे। मैं वो बच्चा देख रही हूँ जो मास्क पहन के बैठा है, जाहिदुल। जाहिदुल देखो मास्क पहन के बैठा है, ये हमको बोल रहा है कि अभी हमको मास्क पहनना क्या हो गया है, कंपल्सरी हो गया है जब भी आप बाहर निकलो। तो देखो जाहिदुल बैठा है, ठीक है। चलिए कुछ स्क्रीन पे नजर आ रहा है, एबीसीडी नजर आ रहा है ना आप लोगों को? तो हम लोग आज कौन सी पोएम पढ़ेंगे पता है? एबीसीडी की पोएम पढ़ेंगे। कौन सी पोएम पढ़ेंगे? एबीसीडी और आप लोगों के लिए, ठीक है। देखिए एक तरह का सॉन्ग भी है और ये पोएम भी है, ऐसे पढ़ेंगे। मालूम है, आप लोग ध्यान से सुनो, फिर मेरे बाद में आप लोगों को क्या करना है, इसको रिपीट करना है। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तुम भी कहो। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स एक्स वाई जेड, तुम भी कहो। बोलो जल्दी, बोलो, सुबह बोलते नहीं ना, ए बी सी डी ई एफ जी एच आर आई के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स। ऑनलाइन टीचिंग के दिन है ये सुहाने, बच्चों तुम्हारा साथ भी है। ऑनलाइन टीचिंग के दिन है सुहाने, बच्चों तुम्हारा साथ भी है। दिल लगा के तुम सब पढ़ो यूं, यही हमारा ख्वाब भी है। बन के कामयाब, बन के होनहार, बढ़ते रहो। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तुम भी पढ़ो। कैसी लगी पोयम? आप लोग कैसे रहो? पढ़ते रहो, होनहार बनो, कामयाब बनो, ठीक है। कलेक्टर, डॉक्टर, इंजीनियर बन के हमको आके जरूर मिलो। मिलोगे ना? इंसान बन जाओगे, टीचरों को भूलो इंशाल्लाह, ठीक है। देखिए आज मैंने आपको एबीसीडी पढ़ाई हूँ, तो इसी ताल्लुक से हम लोग आज एक लेसन पढ़ेंगे, ठीक है। कुछ नया सीखेंगे, हो सकता है आप लोग को मालूम भी हो। एक बार ना टीचर लेंगे तो काम नहीं करते। मिस अल्फाबेट वर्ड्स बनाएंगे। देखो अभी आप लोगों के लिए सरप्राइज है। स्क्रीन नजर आ रही है ना बच्चों? यस मिस, नजर आ रही है, नजर आ रही है। देखो तो फर्स्ट क्लास की मैं खान शब्द मोहम्मद इलियास, आप लोगों को तो पता ही होगा मिस का नाम। yes. नाम सैफ तैयब की तरफ से हूँ, मेरी स्कूल का नाम है बच्चों।
और मैं हमारे सीएनओ जावेद सर और शगुफ्ता मिस के साथ में आपके सामने एक नया लेसन लेकर आई हूँ। कुछ अलग किस्म का लेसन है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर हम देखेंगे अभी, अल्फाबेटिकल ऑर्डर होता क्या है। ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर ये हमारे लेसन का नाम है। जो मैंने आपको अभी पोयम पढ़ के सुनाई ना, तो उसके सामने मैंने आपको एक चार्ट बताई थी। ठीक है, इसे कहते हैं अल्फाबेट। क्या कहते हैं? अल्फाबेट। चलिए देखिए, यहाँ पर देखिए कुछ आपको यहाँ पर अल्फाबेट्स नजर आएंगे। इस अल्फाबेट को स्टैंडर्ड इंग्लिश में लेटर भी कहते हैं। ठीक है, तमाम ये अल्फाबेट कुछ ए बी सी डी, इसको अल्फाबेट भी कहेंगे और स्टैंडर्ड इंग्लिश में इसको लेटर भी कहते हैं। यानी ये ए लेटर है, ये बी लेटर है, ये सी लेटर है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के साथ में आपके सामने ये लेटर है, कैपिटल अल्फाबेट या कैपिटल लेटर। जब भी आप लोग फॉर्म भरते हैं ना, आपकी मम्मी अब्बू कोई आपका एडमिशन का फॉर्म भरते है, तो वहां पर लिखा है कैपिटल लेटर फॉर्म भरो। ठीक है, यानी कैपिटल अल्फाबेट या कैपिटल लेटर। यू नो हाउ मेनी अल्फाबेट्स आर देयर? एनीबॉडी? ट्वेंटी सिक्स। हाउ मेनी अल्फाबेट्स और लेटर आर देयर? 26 अल्फाबेट लेटर। हाँ, 26 है टोटल, ए से लेकर जेड तक 26 अल्फाबेट्स। Now I am showing one more alphabet to you. Look at here. Small alphabet, your small letter. Do you know this? आप लोगों को ये पता है? आप लोग small alphabet भी use करते हो? How many alphabets are there? Means capital letter के बाद small letter लिखते हैं। हाँ, तो ये कितने होते हैं? कितने होते हैं ये भी? 26. Okay. We are writing these alphabets in some order. देखो हम लोग इसको एक order में लिखते हैं। A, A के बाद हमेशा हम लोग क्या लिखते हैं? क्या लिखते हैं? Then C, D, E, F. अगर मैं E से पहले F लिख दूँ या E को F के बाद में लिखूँ, तो ये right order होगा? No, miss. So this is sequence, एक particular order में है जो हम लोग, अगर को teacher कहती है you have to write A to Z. So you will write A to Z like this way. आप लोग इसी तरह के ऑर्डर में लिखेंगे, A, then B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Learn this order. आप लोग को ये ऑर्डर याद है ना? अब आपको because we are going to talk about this order only. हम लोग यही ऑर्डर के ताल्लुक से पढ़ेंगे कि इसको हमको करना क्या है. Okay, आगे बढ़ते हैं. Now look here. Some animals are here. कुछ एनिमल है. What is this? Cat, elephant, tiger, dog. No, they all are fighting. ये सब आपस में लड़ रहे हैं कि मैं पहला नंबर आऊंगा, मैं पहला नंबर आऊंगा। बट आई सेड यू हैव टू कम अल्फाबेटिकली। मैंने उनको कहा नहीं, आप में से वो पहला आएगा जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहला आता है। अब ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर इनको नहीं समझ में आया हो, मेरे बच्चों आपको भी समझाना है। व्हाट इज अल्फाबेटिकल ऑर्डर? इफ यू वॉन्ट टू पुट, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, इफ यू वॉन्ट टू पुट दीज words alphabetical order, it is very easy. We look at the first letter. अगर हमको इन जानवरों को या कोई भी words को alphabetical order में लगाना है, we have to see, we
we have to look the first letter of each word. यहाँ पर cat है तो cat का first letter क्या है वो हमको देखना है. Tiger है tiger का first letter क्या है वो देखना है. Elephant है elephant का first letter क्या है वो देखना है. और dog का first letter क्या है वो देखना है. अब हम इनको बोलते हैं एक line से आ जाओ. Look here. First I will write elephant. Okay. पहले मैंने अगर elephant को ले लिया. Then cat. कितने animals थे? Cat. Four animals. Who is remaining? Dog. What you will see? क्या हम देखेंगे सबसे पहले? हमको alphabetical order लगाना है. अगर कोई भी word हमको देते हैं चार या इससे भी ज्यादा और उनको कहा जाता है कि आपको इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाना है तो सबसे पहले हम हर एक वर्ड का पहला लेटर देखेंगे. क्या देखेंगे? पहला लेटर. इसका पहला लेटर क्या है? ई. एलिफेंट का पहला लेटर है ई. कैट का पहला लेटर क्या है? टी. टाइगर का पहला लेटर क्या है? टी. डॉग का पहला लेटर D. So we will arrange this letter. अच्छा ये E, C, T और D में A B C D में जब आप लोग लिखते हो सबसे पहला कौन सा वर्ड आएगा? Miss C आएगा. C आएगा Miss. C सबसे पहले क्या? A नहीं है यहाँ पर, B भी नहीं है तो क्या आएगा? C. C आएगा. Then D. D तो यहाँ पर है तो इसके बाद में कौन सा वर्ड आएगा? टी. के बाद ई. एलिफेंट का हमारे पास ई भी है. द लास्ट टी. अब हम क्या करेंगे? अब यहाँ पर लिखा हुआ सी. सबसे पहले सी से क्या स्टार्ट हुआ हमारा? कैट. सो कैट विल कम फर्स्ट. देन डॉग. देन Elephant. And last is Tiger. So this alphabetical order, इस तरह से लिखने को क्या कहते हैं? Alphabetical order. ये alphabetical order में नहीं लिखा हुआ था, सब ऊपर नीचे लिखा हुआ था. लेकिन कहीं कभी भी हमको कहा जाए कि आपको ये number जो हमको ये sorry ये words जो है इनको alphabetical order में लिखना है तो What you have to see first letter of the word. सबसे पहले हमको क्या देखना पड़ेगा? पहला लेटर क्या है? तो हमने पहला लेटर यहाँ पर लिख दिया सी, देन डी, देन ई एंड देन टी. फ्रॉम सी, सी से कौन सा वर्ड था हमारा? कैट. डी से कौन सा वर्ड था? डॉग. ई से कौन सा था? एलिफेंट. टी से टाइगर. सो दिस इज अल्फाबेटिकल ऑर्डर. समझ में आया आपको इतना? समझ पाए ना? एबीसीडी के हिसाब से हमको जाना. एबीसीडी में जो पहला आता है अल्फाबेट में उसको पहला लिखना है, बाद में जो आता है उसको बाद में लिखना है, उसके बाद में फिर आखिर. ठीक है. नाउ अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एनिमल्स के साथ में. तो कौन सा एनिमल हमारा फर्स्ट आया था? कैट. अल्फाबेटिकल जो फाइटिंग कर रहे थे मैं पहला आऊंगा. देन विच एनिमल? ट्रॉफी मिलती है. जल्दी से ले लो हाथ बढ़ा के. देन एलिफेंट. टाइगर. सो ऑल एनिमल्स आर अल्फाबेटिकल अरेंज. इन लोग कैसे हो गए? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में. समझ में आया? चलिए अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं. कुछ और चीज मैं बताती हूँ आपको. ठीक है. Sometimes words start with the same letter. कभी कभी ऐसा होता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में वर्ड सब एक ही लेटर से स्टार्ट होते हैं. लुक एट द पिक्चर. व्हाट इज दिस? एप्पल. 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 एरो. एरो. वेरी गुड. एरो. बच्चों कौन सा वर्ड होगा? ए से स्टार्ट होगा. नो. एंजल. एंजल फरिश्ता. ठीक है.
अगेन अगेन। अब मैं यहाँ पर क्या बताना चाहती, कोई मुझे बताएगा? देखो कुछ आप लोगों ने यहाँ पर वर्ड्स में गौर किया, अब हम क्या करेंगे? समटाइम्स कभी कभी ऐसा होता है वर्ड सब एक ही लेटर से स्टार्ट होता है। एप्पल फर्स्ट लेटर इज ए, एरो फर्स्ट लेटर अगेन इज ए, एंजल फर्स्ट लेटर इज अगेन ए, अगेन यानी बार बार वही हरकत कर रहे हैं। देखो ये डोनाल्ड, ठीक है, तो अगेन ए। अब हम लोग क्या करेंगे, लुक हियर, फर्स्ट वी विल अरेंज द वर्ड्स। हम लोग इसको क्या करेंगे, वर्ड्स को अरेंज करेंगे, एप्पल एरो एंजल, वेरी गुड, अगेन अगेन। नाउ Look at the second letter. जब आपका first letter सब same हो and you have to arrange these words, then what you will see second letter. The second letter. जब आप लोगों को कोई ऐसे words arrange करने के लिए दे दिए जाए जिसके पहले letter पूरे same हो, then you will do what you will do. Look at the second letter. Look at apple. Apple का second letter क्या है? P double P. हाँ, तो हम लोग कौन सा पी लेंगे? सिर्फ एक ही पी लेंगे, स्टार्ट वाला। We order these words by second letter. Look here. I have written second in red color. Okay, मैंने यहाँ पर second red color में लिखा है ताकि आपको याद रहे। Because the first letter is same. क्यों हम लोग ले रहे हैं? क्योंकि first letter सबकी क्या है? Same है. So which P? ये वाला first P जो मैंने underline किया है वो लेंगे. Then in arrow R. पहले वाला R, second नहीं, देखो मैंने इसको underline किया है, second letter. Then N. Then T. You know alphabetical order of ABC, हमको A to Z तो याद है. Look here, which will come first? Again आएगा पर P है ना, यहाँ पर जी पहले आता है, एबीसी ए बी सी डी ई एफ जी, सो विच वर्ड विल कम फर्स्ट? अगेन, एच आई जे के एल एम, ये सब तो नहीं है, एन 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 एंजल, यहाँ पर सेकंड लेटर क्या आएगा? एंजल, एन के बाद क्या आता है? एंजल, हाँ, एन के बाद ओ ओ ओ मिस पी पी एप्पल विल कम एप्पल 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 लास्ट के बाद एरो आएगा मिस क्यू एरो पी क्यू आर एरो. हैव यू अंडरस्टूड? आप लोगों को समझ में आया? यस मिस, यस और नो? हाउ टू अरेंज द अल्फाबेटिकल ऑर्डर, कैसे हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करते हैं? जब पहला लेटर हमेशा सेम होता है तब हमको क्या देखना है? दूसरा लेटर देखना है, सेकंड लेटर, विच लेटर? सेकंड अल्फाबेट, यस सेकंड लेटर। सो विद द हेल्प ऑफ द पिक्चर, हम लोग पिक्चर की मदद से हम लोग देखेंगे अभी फर्स्ट वर्ड अगेन, देन अगेन, एंजल एंजल, apple and who was the last? arrow. Have you understood or no? आप लोगों को समझ में आया ना? Yes me, yes me. इसी तरह से alphabetical order, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इस तरह से yes me, जो words को arrange करने को क्या कहेंगे? Alphabetical order. क्या कहेंगे? Alphabetical order. Alphabetical order. ठीक है, now चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ और जानना है हमको। लुक हियर, आई एम शोइंग समथिंग टू यू, व्हाट डू यू थिंक हैपेंस इफ द फर्स्ट टू लेटर्स आर द सेम? जब अगर आगे के दो लेटर सेम हो तो हम क्या करेंगे? लुक एट द पिक्चर, व्हाट इज दिस? कार, कार, आई हैव रिटन कार ओवर हियर, ओके।
अब हमारा कॉन्सेप्ट क्या, आगे के दो लेटर अगर सेम हो तो क्या करेंगे? लुक हियर, व्हाट इज दिस? नाउ व्हाट वी आर डूइंग? बॉल, प्लेइंग विद द बॉल. क्या कर रहे हैं एक दूसरे को? कैच. वेरी गुड, कैच. हाँ, कार्सल. वेरी नाइस. किसने कहा कार्सल? आयशा अब्दुल मलिक. आयशा अब्दुल मलिक को मेरी तरह से ट्रॉफी मिलती है. टेक दिस ट्रॉफी फर्स्ट. हाथ आगे करो. थैंक यू मिस. चलिए, लुक एट द पिक्चर एंड लुक एट द वर्ड्स. ऑल फर्स्ट एंड सेकेंड लेटर आर सेम. पहली ये पिक्चर में देखो आप लोग, कार, कार का फर्स्ट लेटर भी सी है, सेकेंड लेटर ए है. ओके, नेक्स्ट है आर. के, सी, ए, बोथ आर सेम. हियर कैच, अगेन सी, ए, कासल, सी, ए. नाउ व्हाट वी विल डू? अभी हम क्या करेंगे? दो लेटर सेम हो तो हम लोग क्या देखेंगे? थर्ड लेटर कार, थर्ड लेटर के, कैच, कार्सल. ओके, what you will see, look here, we look at the third letter. हम क्या करेंगे? थर्ड लेटर देखेंगे. तो कार का थर्ड लेटर क्या है? आर. आर. केक. आर. केक. थर्ड लेटर केक. केक. देन कार. टी. कैच. टी. 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 असल. एस. 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 नाउ start to read a b c d which one? e. cake aayega pehla, so we will write over here cake. cake. okay, b e f g h i j k, then l m n o. miss car aayega. car. miss car. आर. आर. केक आ गया, इसके बाद में क्या आएगा? आर. आर. कार से कौन सा वर्ड लिखेंगे आप लोग यहाँ पर? कार. से, आर से कौन सा वर्ड लिखेंगे? कार. ठीक है, इसके बाद आर आएगा मिस्टी. कार्सल. कार्सल. एस. एस. देन इसके बाद में विच अल्फाबेट? ये वर्ड अल्फाबेटिकली अरेंज नहीं है. नाउ हियर केक, कार, कार्सल, कैच. तब के हमने थर्ड लेटर को पहले लिखे, क्योंकि स्टार्टिंग के दो लेटर हमारे कैसे थे? सेम थे. तो हम लोग क्या, वी लुक एट द थर्ड लेटर. सो हियर कौन पहले आएगा तस्वीर के हिसाब से? केक. देन सेकेंड वर्ड कार. कार. कार्सल. कार्सल. कैच. फोर्थ कैच. Have you understood alphabetical order? आप लोग को समझ में आ गया alphabetical order? Yes, miss. Yes or no? Yes. ठीक है. चलिए अभी मैं आपसे कुछ पूछती हूँ. Questions. Okay. कुछ आपके सामने evaluation में कुछ आपके सामने यहाँ पर आएगी. मैं आज दो तरह से evaluation लूंगी. Okay. I will ask you the question and I will give you a Google form with certificate. Okay? Yes, miss. Okay. Look here. Yes, miss. Some birds are here. आप लोगों को birds नजर आ रही है यहाँ पर? Look here. देखो अभी नहीं आ रही, अभी आएंगी आपके सामने. आई? Yes or no? Yes.
Which bird? No, no miss. No miss. देखो लेफ्ट हैंड साइड पे पिजन पिजन पिता के नहीं चुपके बैठा था यहाँ पर पिजन सेकंड वन ईगल देखो यहाँ पर आ रही है देखो आपको दिखा दिखेल के बाजू पे ये उसी के नीचे देखो कौन आया है ईगल ईगल के नीचे क्रो क्राउ में बेटा क्रो क्रो देख उसके नीचे क्या आया है देखो आप लोगों को अगर नहीं भी दिख रहा है स्पेलिंग तो नजर आ रही है ना यस मिस दिस वर्ड्स अल्फाबेटिकली ठीक है मैंने तो पिक्चर्स तो लगाई हो आपके लिए अगर आपको पिक्चर नहीं दिखे तो सॉरी लेकिन आपको यहाँ पर जो वर्ड्स दिए हुए बर्ड्स नेम यू हैव टू अरेंज अल्फाबेटिकल यानी हमको इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है ओके तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे व्हाट यू विल सी द फर्स्ट लेटर लुक हियर पी ई सी मिस मी एस व्हिच विल कम फर्स्ट जल्दी बता हु विल से द आंसर क्रो क्रो देखो क्योंकि ए बी सी डी में ए बी सी यहाँ पर तो ए और बी से कोई भी बर्ड्स नहीं है ठीक है तो डायरेक्ट सी है डी देन ईगल 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 ए बी सी डी ई एफ जी बट पिजन और पैरेट कौन सा पहले आएगा लुक हियर बोथ तू बता वजह के साथ पता मुझे सेकेंड लेटर इज आई ओके पैरेट देन इसके बाद भी कौन सा है अभी पिजन हैव यू अंडरस्टूड और नॉट अल्फाबेटिकल ऑर्डर सबको समझ में आया कि नहीं यस यस लास्ट स्पैरो 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 समझ में आया सबको Here, we have written all the birds' name in alphabetical order. हमने जितने भी birds के name थे उनको alphabetically क्या करा है? Arrange किया है, ठीक है? Have you understood? Second letter देखना है, first letter कब देखना है? आप लोग ने parrot और pigeon में बिल्कुल right answer दिया, then I think you understand. यानी मुझे ऐसे लगता है आप लोग को समझ में आया, आया कि नहीं alphabetical order? Yes, miss. अच्छी तरह से. Yes, आया. Okay, then I will give yes, you, share you a Google form, chat box. In Google form, you have three pictures. मैं आपको थोड़ा सा explain करती हूँ. In these pictures, you have to arrange the these picture in alphabetical. जो picture जो दी हुई है, उसके ना दो answer है. एक alphabetical arrange किया हुआ right है और एक wrong है. आपको राइट के ऊपर क्लिक करके आगे बढ़ना है ओके यस मिस ओके ये मैं आपको शेयर कर रही हूँ गूगल फॉर्म आप लोग अपने चैट बॉक्स में देखिए आएंगे बेटा अभी लिंक दे रही हूँ मैं आपको और उसके बाद में मैं चेक करूंगी कि कौन कौन ने सबसे पहले और सही आंसर के साथ में मुझे क्या किया है सबमिट किया है ठीक है यस मिस
मिस चैट बॉक्स में लिंक नहीं आई। दे दी बेटा अभी मैंने पेस्ट नहीं किया है, मैं दे रही हूँ। देखिए मैंने आपको लिंक दे दी हूँ, मैं दो तीन मरतबा और इसको दे देती हूँ आप लोगों को। ओपन दिस लिंक, ओपन हुई आपकी लिंक। आई हैव गिवन थ्री वर्ड्स इन कोलाज, मैंने आपको कोलाज में तीन वर्ड्स दी हूँ, आप लोग उसको राइट लिखो और राइट अपना ईमेल आईडी डालो, देन यू विल गिव टेक द सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट ओके। यस मिस। मैं यहाँ पर चेक करती हूँ कि सबसे पहले किसने इसे सही सबमिट किया है। एंड इन इंग्लिश लेक्चर यू हैव टू ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश ओके। अगर आपका इंग्लिश का लेक्चर होता है तो आपको किसमें बात करनी है, इन इंग्लिश। इन इंग्लिश हाँ, ट्राई टू स्पीक सम वर्ड्स, कुछ कुछ वर्ड्स बोलने की कोशिश करो, देन यू विल स्पीक फ्लुएंटली। आहिस्ता आहिस्ता आप फ्लुएंटली बोलने भी लग जाओगे। yes, अभी मेरे बच्चे सबमिट कर ही रहे हैं, अभी फर्स्ट बच्चा आया नहीं है। डू इट प्रॉपरली एंड डू इट करेक्टली ओके। फर्स्ट मेरा बच्चा आया है अंसारी अबू बकर, क्लैप फॉर हिम। देखो अबू बकर ने 10 out of 10 लिया है। वेरी गुड अंसारी अबू बकर, टेक दिस ट्रॉफी, जल्दी से ट्रॉफी ले लो। ये जमान 10 out of 10, वेरी गुड जमान, ध्यान से करो, देखो ना तो रॉन्ग हो जाएगा आपका आंसर। आप लोग राइट आंसर करेंगे 60%, देन यू विल टेक द सर्टिफिकेट। अगर आप लोग राइट आंसर करेंगे 60% तो ही आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, आप ज्यादा रॉन्ग करेंगे तो यू विल नॉट टेक द सर्टिफिकेट। 10 out of 10 जैनब इब्राहिम, आयशा, अनस, मोहसिना, वेरी गुड। नौफ, मुजम्मिल, वेरी गुड मुजम्मिल, डू इट प्रॉपरली। गफ्फार, कुलसुम, चलिए जल्दी से करिए, 2 मिनट में आपको देती हूँ, इसके बाद में मेरा होमवर्क भी समथिंग डिफरेंट है ओके। सुफिया 10 out of 10, शेख महजबीन, अफान, जुवेरिया, अमरीन, जल्दी जल्दी देखिए, अभी तो हमें 38 बच्चों ने इसको फिलअप कर दिया है। राइट ईमेल आईडी, ईमेल आईडी प्रॉपरली, ईमेल आईडी जो है ना उसको सही से लिखोगे तो सर्टिफिकेट बराबर आएगा तुमको ओके। जल्दी से आप लोग स्क्रीन पे देखो, स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। गूगल फॉर्म तो आपने कर लिया है, लुक हियर, तैयार हो घर होमवर्क के लिए, यस और नो? ऑल आर डूइंग गूगल फॉर्म, जल्दी से बोलो होमवर्क दू के नहीं। देखो होमवर्क कुछ आपके सामने आ रहा है, लुक हियर होमवर्क, देखो इसमें आपका नाम तो नहीं है, लुक हियर ऑल ऑफ यू, बेग आयशा, उम्मे कुलसुम,
रेशमा शेख जन्नत खातून, रेशमा शेख यहाँ पर वापस है एक मरतबा, सामिया, आयान, नबुवत, जिक्रा, खालिद, फातिमा, फायजा, तूबा, हिबा, उमैमन, स्माइल, अब्दुल्ला और नसीमा। ये बच्चे है क्लास में मेरे अभी? यस और नो, इनमें से कोई तो है? हाँ या ना, आंसर दो। हाँ बेटा, ये आप ही के ऑनलाइन क्लास के बच्चों के नाम हैं जो हमारी क्लास रोज अटेंड। यस मिस, हम हैं। है ना? हाँ, पहचानो, अपना नाम ढूंढो इसमें। तो ये मेरी क्लास के, हमारी क्लास, हाँ, तो मेरी क्लास के ये ऐसे बच्चे हैं जो ऑनलाइन क्लासेस रोज अटेंड करते हैं। तो मैंने होमवर्क क्या दिया है मालूम है? यू हैव टू अरेंज द नेम ऑफ दिस स्टूडेंट अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ये आपको जो जो आपको जो नेम दिए गए हैं बच्चों के नाम है आपके क्लास की, या आपके भी नाम होंगे सॉरी, तो आपको क्या करना है, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाना है। किसमें लगाना है आपको? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में क्या होगा, स्क्रीनशॉट लेने के बाद में आपको आपके क्लास के बच्चों के नाम अल्फाबेटिकली अरेंज करना है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या करना है, इसको लिखना है। जैसे बेग आयशा है, उम्मे कुलसुम है, तो एक के नीचे एक लिखने के बाद सबके क्या, कौन सा लेटर तुम अंडरलाइन करोगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। सबसे पहले कौन सा लेटर देखोगे? पी, बी, फर्स्ट लेटर लिखेंगे ना? हाँ, पहला लेटर अंडरलाइन करके, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो आपका। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसकी बुक में पहले आप लोग यही ऑर्डर में लिखेंगे और इसके सामने आप लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, यानी किसका नाम ए से शुरू होता है उसको पहले, बी से शुरू होता है उसको बाद में। ठीक है, समझ में आया होमवर्क आप लोगों को? हमारी क्लास के ये ऑनलाइन क्लास के ये ऐसे बच्चे हैं जो रोज क्लास में आते हैं और लेक्चर अटेंड करते हैं। इसलिए मैंने मेरे खास का जो बच्चे हैं ना, उनके नाम लिखे। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों के भी नाम मैं लिखूं, कुछ होमवर्क में दूं, तो आप लोग को रोज क्या करना है, ऑनलाइन क्लास अटेंड करना है। अटेंड करना है। करोगे कि नहीं सब लोग? थैंक यू। समझा कि नहीं लेसन आपको? समझा।